प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन का मुख्य बिंदु है दूरदर्शी। दूरदर्शी में प्रतिबिंब कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, इसके अतिरिक्त इसमें जो मानव नेत्र और प्रकाशी के अंतर एक कैमरा होती है उसमें क्या समानता और असमानता होती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो कृत्रिम प्रकाशी के अंतर है जिसको हम दूरदर्शी कहते हैं, तो दूरदर्शी की क्या परिभाषा हो सकती है। तो हम जानते हैं कि जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो वहाँ पर एक ऐसे प्रकाशी के अंतर का उपयोग किया जाता है जिसको हम दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रकाशी के अंतर जो दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब आँख पर बनाता है, ऐसे जो प्रकाशी के अंतर होते हैं उसको हम कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी का अर्थ यही है कि दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब आँख पर प्राप्त करना होती है। चूंकि हम दूरदर्शी की सहायता से आकाश में स्थित या पृथ्वी पर स्थित दोनों जगहों पर हम दूर स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे आकाश की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति को हम देख सकते हैं, ग्रह की स्थिति को हम देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त जो उल्का पिंड वगैरह की जो स्थिति है उसको भी हम इस दूरदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। पृथ्वी पर दूर स्थित कोई वस्तु है यदि 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है या हमारे जो साधारण आँख है वहाँ उस वस्तु को नहीं देख पा रही है, ऐसे जगहों पर हम पृथ्वी तल पर दूर स्थित वस्तुओं को देखना है तो भी हम इसी दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से सामान्यतः जो दूरदर्शी होती है वह इसकी जो फोकस लेंस की जो फोकस दूरी होती है या इसकी जो फोकस क्षमता होती है, चूंकि इसमें 2 प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो जो अभिदृश्यक लेंस होती है जिसके द्वारा वस्तु को देखी जाती है, ऐसे लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो लगभग अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ये लगभग होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, और जो नेत्रिका लेंस एक और लगी रहती है उसकी फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ये लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इस दूरदर्शी में हम 2 लेंस उपयोग करते हैं, एक अभिदृश्यक लेंस और दूसरी नेत्रिका लेंस। तो इस तरीके से हम दूरदर्शी का उपयोग कर सकते हैं। दूरदर्शी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होती है दूरदर्शी के प्रकार। प्रकार में देखें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, पहला अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी जो होती है वह होती है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी हम ऐसे दूरदर्शी को कहते हैं जिसमें यदि किसी वस्तु को देखना है तो जो अभिदृश्यक लेंस होती है वह अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस होता है। तो इस प्रकार के जो दूरदर्शी होगी उसको हम कहेंगे अपवर्ती दूरदर्शी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो अभिदृश्यक लेंस दिखाई दे रही है जिसकी फोकस दूरी 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास है, वह लेंस क्या होगा अपवर्ती दूरदर्शी के लिए? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस लगा हुआ है तो हम उसको कहेंगे अपवर्ती दूरदर्शी। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होती है यहाँ पर उसकी फोकस दूरी 50 से 100 सेंटीमीटर जो दिखाई जा रही है, वहां पर लेंस की जगह में एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य अंतर यही है अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में। इसमें अभिदृश्यक के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जा रहा है और ये परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस जिसको हम कहते हैं, तो लेंस की जगह वहां पर अवतल दर्पण उपयोग किया जा रहा है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर होती है परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी में। इसमें इसकी और अलग अलग प्रकार देख सकते हैं। जैसे अपवर्ती दूरदर्शी की बात करें तो यहाँ पर ये और इसकी और प्रकार होती है।
अपवर्ती दूरदर्शी मुख्य रूप से और दो प्रकार की होगी, तो इसको हम कहेंगे पहला इसका प्रकार लेते हैं आकाशीय दूरदर्शी, आकाशीय दूरदर्शी या इसको खगोली दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। खगोली दूरदर्शी के नाम से भी आकाशीय दूरदर्शी को जाना जाता है। दूसरा इसका जो प्रकार होती है वह होती है पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी। तो इस तरीके से हम अपवर्ती दूरदर्शी को आकाशीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी दो प्रकार इसका हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो आकाशीय दूरदर्शी या खगोली दूरदर्शी है इससे ये स्पष्ट है कि जब आकाश पर कोई वस्तु स्थित हो तो वहाँ पर उस वस्तु को देखने के लिए हम आकाशीय दूरदर्शी का उपयोग करेंगे, और यदि पृथ्वी तल पर कोई दूर स्थान पर कोई वस्तु स्थित है तो उस वस्तु को देखने के लिए हम पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूरदर्शी के प्रकार और उसकी प्रतिबिंब रचना के बारे में यहाँ पे देखते हैं। दूरदर्शी का जो खोज है वो सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो दूरदर्शी का एक और दूसरा नाम है गैलीलियो दूरदर्शी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि उसके नाम के आधार पर ही इसका नाम गैलीलियो दूरदर्शी रखा गया है। तो सबसे पहले गैलीलियो नामक जो साइंटिस्ट है या जो विद्वान है उन्होंने इस प्रकार के दूरदर्शी का खोज की थी। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम कैसे निकालेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता की परिभाषा से, आवर्धन क्षमता वह होती है उस लेंस की कितनी क्षमता है, जो लेंस जिस प्रकार के लेंस का हम उपयोग कर रहे हैं दूरदर्शी के लिए उस लेंस की क्षमता क्या है, वह कितनी दूर के स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से आंख पर बनाता है, ये उस लेंस की क्षमता कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पर दूरदर्शी की बात करें तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की परिभाषा हम ये देख सकते हैं कि दूरदर्शी द्वारा बने आंख पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम उस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहेंगे। तो यदि हम इसको सूत्र के रूप में लिखें आवर्धन क्षमता को, आवर्धन क्षमता यदि हम सूत्र के रूप में लिखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो ये इसकी परिभाषा हो गई आवर्धन क्षमता की। यहाँ पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण लिखा है, चूंकि पहले और जब हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता देख रहे थे तो यहाँ पर रखा गया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ऐसा लिखा हुआ था। तो यहाँ पर चूंकि हम दूर स्थित वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पष्ट दूरी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब ये होता है कि यदि आंख से 25 सेंटीमीटर की यदि दूरी है, कोई वस्तु रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर, तो उसको हम कहते हैं आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चूंकि यहाँ पर दूरदर्शी की बात करें और दूरदर्शी में कितनी दूर पर कोई वस्तु रखी गई ये हमको पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी जो परिभाषा है आवर्धन क्षमता की ये हो जा रही है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के जो अनुपात होगी उस अनुपात को हम कहेंगे आवर्धन क्षमता। चूंकि हम आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं इसलिए स्मॉल m बराबर हो जाएगी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर दर्शन कोण के, यदि हम बीटा से प्रदर्शित करें तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा हो जाएगा। तो m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, इसको हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं। ये हो गई दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता।
अब हम देखते हैं अपवर्ती दूरदर्शी के जो प्रकार है तो उसमें दो प्रकार लिया गया था। तो पहला हम प्रकार लेके चलते हैं आकाशीय या खगोली दूरदर्शी। आकाशीय या खगोली दूरदर्शी। आकाशीय या खगोली दूरदर्शी की यदि हम संरचना देखें तो इसमें धातु की बनी हुई एक खोखली नली होती है इस प्रकार की। इसके सामने एक लेंस लगा रहता है। इस लेंस पर यदि किसी वस्तु को देखना है तो इस कारण इसको हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस कहेंगे क्योंकि इसी लेंस के माध्यम से दूर स्थित वस्तुओं को देखी जाएगी। यहां पर एक और सक्रिय नली लगी रहती है इस तरीका से। इस नली के अंतिम छोर पर भी एक लेंस लगी रहती है, ये भी उत्तल लेंस लगा रहता है। और चूंकि ये आंख के समीप रहती है इस कारण इसको हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। तो यहां पर अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस, तो ये दोनों अलग अलग नलियां हैं। ये ज्यादा व्यास, इसकी जो व्यास है वो ज्यादा है, इसकी व्यास क्या है, इस नली की व्यास कम है, ठीक है। तो यहां पर इसको, इस नली को इसके अंदर आगे पीछे एक चक्री जो व्यवस्था रहती है उस व्यवस्था के अंदर आगे पीछे सरकाया जा सकता है, जिसके माध्यम से वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो इनको मिलाने के लिए यहां पर एक क्रॉसतार लगा रहता है। इस क्रॉसतार के माध्यम से हम दोनों लेंसों की फोकस दूरी को सेट करते हैं या उसको समंजित करते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी संरचना हो गई, ठीक है। अब यदि इसमें इसका जो किरण आरेख है इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनती है, इसको हम किरण आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आकाशीय या खगोली दूरदर्शी का किरण आरेख अभिदृश्यक लेंस है। दूर स्थित आकाश पर, आकाशीय दूरदर्शी की बात कर रहे हैं, तो आकाश में कोई वस्तु स्थित है, वहां से प्रकाश किरणें आ रही है। दूर स्थित आकाश पर कोई वस्तु है, उससे प्रकाश किरणें आई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब ए डेस बी डेस पर प्राप्त हो रही है। यहाँ पे एक नेत्रिका लेंस लगा हुआ है, इसका प्रकाश केंद्र ई हो जाएगी और इसका प्रकाश केंद्र ओ है। इसको हम चाहे तो लेंस एल वन या लेंस एल टू के नाम से भी और इसका नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब ए बी प्राप्त हो रही है, अनंत पर यहाँ पर कोई वस्तु है, आकाश पर कोई वस्तु है, वहां से प्रकाश किरणें आई, लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब ए बी पर प्राप्त हुआ। यह ए बी जो है, जो नेत्रिका लेंस है, उस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, इसलिए यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण है ये लेंस पर गया। लेंस पर जाने के बाद में ये इसकी फोकस से होते हुए सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण इसके केंद्र से होते हुए ऐसा निकल गया। जब दोनों अपवर्तित प्रकाश किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये इसको पीछे ले आइए इस तरीके से, और इसको भी यदि हम पीछे लाते हैं, तो ए बी का जो प्रतिबिंब है वो यहां पर प्राप्त होती है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं ए डेस और ये बी डेस। तो इस तरीका से
आकाश पर स्थित वस्तु का दूरदर्शी के माध्यम से ए डेस बी डेस पर अंतिम प्रतिबिंब बन रही है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक है, वस्तु से बड़ी है और उल्टी है। तो इस तरीके से आकाश पर जैसे मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति देखना है या किसी ग्रह की स्थिति देखना है तो उसका इस प्रकार प्रतिबिंब दूरदर्शी पर प्राप्त होती है। तो हम आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी का जो प्रतिबिंब रचना है उसको इस चित्र के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं किरण आरेख, इस किरण आरेख के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया। दूसरा इसमें है एक और इसी का जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी। तो पार्थिव दूरदर्शी का किरण आरेख भी यहां पर देख लेते हैं। दूसरा इसका प्रकार है पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी पृथ्वी तल पर दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना पार्थिव दूरदर्शी है। तो इसका किरण आरेख देखिए, इसमें प्रतिबिंब किस तरीके से प्राप्त होती है, किरण आरेख। इसकी किरण आरेख बनाने के लिए यहाँ पर जो पार्थिव दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में मुख्य अंतर हम देख सकते हैं कि पार्थिव दूरदर्शी में तीन लेंस उपयोग किया जाता है, और तीनों लेंस क्या होती है, उत्तल लेंस होती है। पहला वाला लेंस अभिदृश्यक लेंस कहलाएगी, जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाएगा। बीच में एक और लेंस लगी रहती है, उसको हम कहते हैं प्रतिलोमक लेंस, और तीसरी एक और लेंस रहती है जो क्या होती है, नेत्रिका लेंस होती है। तो खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी में ये मुख्य अंतर है। खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस है, एक अभिदृश्यक लेंस और दूसरी क्या है, नेत्रिका लेंस। लेकिन यहाँ पर जब हम किरण आरेख बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि तीन लेंस किस तरीके से रखा गया है। तो ये पहला यहाँ पर एक उत्तल लेंस है जिसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ये इस लेंस की मुख्य अक्ष हो गई। पृथ्वी तल पर यहाँ पर कोई भी वस्तु है रखी गई है, दूर पर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ से प्रकाश किरणें लेंस पर आएगी, इस तरीके से लेंस पर आपतित होती है। लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगी। यह प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। जब वस्तु ए बी, प्रतिबिंब ए बी यहाँ पर प्राप्त हो रही इस लेंस के माध्यम से, इसको हम कहेंगे ओ, जिसको अभिदृश्यक लेंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रतिलोमक लेंस लगा रहता है और ये इसका नाम कर दिया एल। तो इस प्रतिलोमक लेंस के लिए जो ए बी दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यह इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हुआ, फिर इसके फोकस यहाँ पर है, तो इसके फोकस से होते हुए ये निकल गया। दूसरा यहाँ पर इसके प्रकाश केंद्र से होते हुए किरणें जाएगी जो सीधी रेखा में निकल जाती है। ए बी का जो प्रतिबिंब है, इस ए बी का जो प्रतिबिंब है ए डेस और बी डेस पर प्राप्त होती है। फिर यहां पर एक नेत्रिका लेंस लगी रहती है, ये हो गया नेत्रिका लेंस, इसका प्रकाश केंद्र ई हो गया। तो इस नेत्रिका लेंस के लिए ए बी जो प्रतिबिंब बना हुआ है, यह प्रतिबिंब ए डेस बी डेस जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब वस्तु का काम करेगा। जैसे यहाँ पर ए बी इस लेंस के लिए वस्तु का काम क्या है, सेम इसी तरीके से ए डेस बी डेस भी इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगी, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण चलती है वह फोकस से होकर के इधर निकल जाती है, ठीक है। दूसरा प्रकाश किरण
केंद्र से होते हुए जाएगी, प्रकाश केंद्र जिसको कहते हैं, ये सीधी रेखा में निकल जाती है। दोनों जो अपवर्तित किरण है इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, दोनों अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वस्तु ए डेस बी डेस का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर प्राप्त होती है। इसको पीछे की ओर बढ़ा दीजिए तो ये ए डेस बी डेस का प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हुआ, बी डबल डेस ए डबल डेस। तो इस तरीका से पृथ्वी तल पर जो दूर स्थित वस्तु है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बी डबल डेस ए डबल डेस पर बन रही है, अर्थात यह प्रतिबिंब वास्तविक है और ए बी जिस तरीके से रखा गया है उसी तरीके से यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रही। मतलब क्या है, ये सीधी है और वस्तु से बड़ी है। तो इस तरीके से दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब आँख पर बनती है और वह बड़ा दिखाई देती है। तो ये जो संरचना है या किरण आरेख है यह पार्थिव दूरदर्शी के लिए लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंतर देख रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी में क्या अंतर है। खगोलीय दूरदर्शी में ये केवल दो लेंस का उपयोग किया गया था जिसको हम नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस कह रहे हैं, और यहाँ पर एक और लेंस लगी हुई जो प्रतिलोमक लेंस का काम करता है। ठीक है, तो इसी प्रतिलोमक लेंस के द्वारा ही इन दोनों लेंसों के बीच में जो रखी गई है यहीं से इसको सेट करते हैं और दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बड़ी प्रतिबिंब प्राप्त की जाती है। ठीक, तो ये था जो कृत्रिम जिसको हम प्रकाशीय यंत्र कहते हैं उसमें खगोली और पार्थिव दूरदर्शी की संरचना और उसकी किरण आरेख। आगे हम देखते हैं एक और प्रकाशिक यंत्र, ये भी कृत्रिम है जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा, तो कैमरा सभी लोग ने देखे होंगे, है ना। कैमरा क्या होती है, यदि किसी भी वस्तु का स्पष्ट और स्थायी प्रतिबिंब प्राप्त करना है या स्थायी फोटो प्राप्त करना है तो वहाँ पर फोटोग्राफिक कैमरा का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरा की यदि हम बनावट देखें तो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या भाग होती है, इन भागों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फोटोग्राफिक कैमरा में मुख्य रूप से पांच ऐसा भाग होता है। तो सबसे पहला भाग है प्रकाश रोधी बॉक्स, इसकी बनावट, बनावट के अंतर्गत सबसे पहला भाग आता है इसका प्रकाश रोधी बॉक्स। प्रकाश रोधी बॉक्स से क्या होती है कि जो प्रकाश किरणें आती है वह प्रकाश किरणों का अंदर में परावर्तन ना हो, मतलब परावर्तन को क्या करती है, रोकती है। तो ये काले, मतलब एक काले जो प्लास्टिक का जो फ्रेम होता है उस प्रकार के फ्रेम से बनी होती है ये प्रकाशरोधी बॉक्स। इसके अंदर का भाग पूरा पूरा क्या होती है, काला होती है। तो प्रकाश किरणें यदि कैमरे के अंदर प्रवेश करेगी तो वहां पर उस प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो ये परावर्तन को रोकने का काम करता है प्रकाशरोधी बॉक्स जो अंदर से पूरा काला होता है। दूसरा इसमें रहता है लेंस। प्रकाशरोधी बॉक्स के आगे एक लेंस लगी रहती है और यह लेंस कांच का बना होता है जो क्या होती है, उत्तल लेंस होती है। तो यह उत्तल लेंस दो से अधिक लेंसों को एक साथ जोड़ करके एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस यहां पर बनाई जाती है और इस कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी भी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब इस लेंस के माध्यम से प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये लेंस को हम सेट करते हैं, उसकी फोकस दूरी को सेट करते हैं, समंजित करते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो ये कम फोकस दूरी की होती है। तीसरा इसमें होती है, ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम का काम ये होता है कि जो प्रकाश किरणें
कैमरा के अंदर प्रवेश करेगी, उस प्रकाश किरणों को नियंत्रित करने का काम करता है डायफ्राम। ये लेंस के आगे का भाग होता है डायफ्राम। तो प्रकाश किरणें जो आएगी कैमरे के अंदर, जो प्रकाश किरणें प्राप्त होगी उसको नियंत्रित करने का काम करता है, ताकि एक साथ यदि मान लीजिए बहुत सारे प्रकाश किरणें आ जाए तो उस प्रकाश किरणें को नियंत्रित करने का काम इस डायफ्राम के माध्यम से किया जाता है। तो एक छोटा सा पर्दा के समान होती है जो नियंत्रित करने का इसका मुख्य काम है। चौथा इसमें पॉइंट है फोटोग्राफिक फिल्म है, या इसको हम फोटोग्राफिक फिल्म कई नाम से जानते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये कैमरा का मुख्य भाग होता है फोटोग्राफिक फिल्म। इसी फोटोग्राफिक फिल्म में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होती है, जैसे आंख में रेटिना पर प्राप्त होता है, तो यहां पर जो फोटोग्राफिक फिल्म है इसी फिल्म में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस फोटोग्राफिक फिल्म में क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यह मुख्यतः सेलुलॉइड की एक पतली फिल्म होती है, जिस पर सिल्वर ब्रोमाइड की पतली तह उसमें लगा दी जाती है, और वह फिल्म इस फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त होगी। तो इसका मुख्य काम क्या है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना। तो ये एक पर्दे का काम करता है फोटोग्राफिक फिल्म। फिर इसमें एक लगा रहता है शटर। शटर जैसे हम आंख में देखते हैं, यदि हम अपने पलक को बंद करें तो आंखों के अंदर प्रकाश किरणों का प्रवेश करना बंद हो जाती है, यदि खोले तो आंखों के अंदर प्रकाश जाएगी, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर शटर का भी होता है। शटर का काम होता है कि प्रकाश किरणें जो आ रही है वह कैमरे के अंदर ना पहुंचे। यदि शटर बंद कर देंगे तो प्रकाश किरणें कैमरे के अंदर नहीं जाएगी, शटर यदि खुलेगी तो प्रकाश किरणें जो है कैमरे के अंदर जाएगी। तो एक प्रकार का क्या है, पर्दा है, या जिसको हम दरवाजा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से कैमरे की जो बनावट होती है इन ये पांच बिंदुओं के आधार पर बनी रहती है। समझ में आ गया। अब ये कार्य कैसे करती है, या इसमें फोटो कैसे प्राप्त होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कैमरे की क्रियाविधि। कैमरे की क्रियाविधि, कैमरे की क्रियाविधि इसी चार बिंदुओं पर आधारित होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस वस्तु का फोटो प्राप्त करना होता है, उस वस्तु को जो लेंस यहाँ पर लगी गई है, जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। तो वस्तु को हम लेंस की फोकस दूरी के दोगुने से अधिक दूरी पर हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं। रखने के बाद इस डायफ्राम और लेंस को आगे पीछे खिसका करके इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसको ऐसे समंजित करें कि वह वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त हो। तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, लेंस की फोकस दूरी के दोगुने से अधिक दूरी पर। जैसे फोटोग्राफर क्या करता है, किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब लेना रहता है तो वह लेंस को आगे पीछे खिसकाती है, जो डायफ्राम रहती है उसको आगे पीछे खिसकाती है, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी को सेट करता है, फिर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करती है, ठीक है। तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस और ये डायफ्राम है ये मुख्य भूमिका निभाती है। इन्हीं को समंजित करके हम फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रतिबिंब प्राप्त होगी उस प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह कैसे रहेगी, उल्टी और वास्तविक होती है, ठीक है। कैमरे में जो प्रतिबिंब प्राप्त होती है वह प्रतिबिंब उल्टी और वास्तविक होती है, और उल्टी और वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है वह उस फिल्म को हम कहते हैं निगेटिव, और उस निगेटिव के माध्यम से उसको एक रासायनिक घोल होता है, उस रासायनिक घोल में एक डार्क कमरा रहता है, उस डार्क कमरे में उस निगेटिव को ले जाएंगे, और ले जाने के बाद में एक घोल होगी, रासायनिक घोल, उस रासायनिक घोल के माध्यम से एक कागज होता है जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफी कागज, उस कागज में उस निगेटिव के माध्यम से जिस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बना हुआ है उसको उस निगेटिव से हम उस कागज में उतार लेते हैं। तो इस तरीका से कैमरे माना द्वारा जो बनाया गया जो कैमरे है उस कैमरे में किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगी, और वह प्रतिबिंब कैसे होगी, स्थायी होगी। एक बार निगेटिव
में आ गया तो उस नेगेटिव को हम जब चाहे तब उसका पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं अर्थात उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी नेगेटिव को पॉजिटिव में या उसको फोटोग्राफिक फिल्म में उतारने के लिए पूरे कमरे की जो स्थिति रहती है वह पूरे डार्क रहता है, वहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं रहती। और एक सिल्वर ब्रोमाइड की जो घोल रहती है उस घोल में जो प्रकाश होती है वह प्रकाश क्या करता है, रासायनिक क्रिया करता है। तो इस तरीके से हम फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसके माध्यम से किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि फोटोग्राफिक कैमरा एक कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र है और हमारा जो आँख है वह क्या है, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। तो मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा में क्या समानता है और क्या असमानता है इसी के बारे में यहाँ पे आगे देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा और मानव नेत्र में समानता, दोनों में क्या समानता होती है, क्योंकि दोनों के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है तो दोनों में क्या समानता है, इस समानता को यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र की बात करें, मानव नेत्र और यहां पर रख देते हैं कैमरा, दोनों में क्या समानता होती है। तो मानव नेत्र हम देखते हैं कि जो दृष्टि पटल होती है, चित्र में कल बताया गया था, मानव नेत्र की जो दृष्टि पटल होती है वह दृष्टि पटल क्या करती है, जो प्रकाश किरणें आती है उस प्रकाश किरणों को अंदर में जो परावर्तन होती है प्रकाश किरणों का, उस परावर्तन को रोकने का काम करता है दृष्टि पटल। और दृष्टि पटल का काम यह भी होता है कि आंखों को बाह्य जो हानिकारक रहती है उससे सुरक्षा प्रदान करना भी दृष्टि पटल का काम होता है। तो कैमरे में क्या होती है, जो डायफ्राम कैमरे में जो प्रकाशरोधी बाक्स होती है वह प्रकाशरोधी का काम होती है आने वाले प्रकाश किरणों के परावर्तन को रोकना। तो ये दोनों में समानता हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर प्रकाशरोधी बाक्स प्रकाश किरणों के परावर्तन को रोकता है, यहाँ पर दृष्टि पटल जो होती है वह प्रकाश किरण के परावर्तन को रोकती है। तो ये दोनों में मुख्य समानता है। अगली हम इसमें समानता देख सकते हैं कि मानव नेत्र में जो बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है वह रेटिना पर प्राप्त होती है जो कि वास्तविक और क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक उसी तरीके से कैमरे में जो बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है वह भी वास्तविक और उल्टी होगी, और यह प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, फोटोग्राफिक फिल्म में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये दोनों में समानता हो गई, इसमें रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा और इसमें फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रतिबिंब बनेगी। तीसरी समानता हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो मानव नेत्र होती है उसमें लेंस जो लगी रहती है जो मांसपेशियों का बना होता है वह सिलियरी जो मांसपेशी होती है उस सिलियरी मांसपेशी के द्वारा उस लेंस को पतला या मोटा करता है, मतलब वो अपने आप क्या हो जाती है, वस्तु की स्थिति के आधार पर समंजित हो जाती है। ठीक है, लेकिन कैमरा को समंजित करने के लिए जो लेंस लगा रहता है वह लेंस कैसे समंजित होगी, उसकी फोकस दूरी को आगे पीछे खिसका करके, डायफ्राम को जब हम आगे पीछे खिसकाएंगे तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, समंजित हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो दोनों में यह समानता पता चल गया, क्योंकि मानव नेत्र में जो लेंस लगा रहता है वह क्या है, प्राकृतिक है, मांसपेशी के बना होता है, तो वस्तु की स्थिति के आधार पर अपने आप क्या हो जाती है, वह समंजित हो जाती है, लेकिन इसको समंजित करने के लिए उसकी फोकस दूरी को समंजित किया जाता है। तो ये दोनों में हम समानता देख सकते हैं। और इसमें समानता देखना चाहें तो जिस तरीके से पलक जो होती है, प्रकाश किरणें आंख पर जो जाती है उसको पलक को यदि बंद कर दें तो प्रकाश किरणें आंख में जाना बंद कर देगा, ठीक उसी प्रकार शटर का काम होता है कैमरे में, वह प्रकाश किरणों को कैमरे में प्रवेश करने से रोकती है। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये चार पांच बिंदु ऐसे होती है जो प्रकाशिक जो यंत्र है मानव नेत्र और कैमरा, एक है प्राकृतिक दूसरी क्या है कृत्रिम, तो दोनों में समानता है। जिस तरीके से हमारा आंख है सेम वही प्रोसेस बनाया गया क्या है, उसी विधि से बनाया गया क्या होती है, कैमरा होती है, जो दोनों में जो चार बिंदु यहाँ पर बताया गया वही उसमें मुख्य रूप से दोनों में समानता प्रदर्शित करती है। यदि हम दोनों में असमानता की बात करें
फोटोग्राफिक कैमरा और मानव नेत्र में समानता देखने के बाद यदि हम इसकी असमानता की बात करते हैं, दोनों में क्या असामान्य है, दोनों में डिफरेंट क्या चीज होती है? तो डिफरेंट में हम देखें कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। जो उत्तल लेंस लगी रहती है उसकी फोकस दूरी कैमरे में क्या रहती है, कम रहती है। लेकिन मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है वह वस्तु की स्थिति के आधार पर अपनी फोकस दूरी को क्या करती है, समंजित करती है। तो ये दोनों में अंतर यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसमें यदि हम अंतर देखना चाहें तो कैमरे में जो लगा हुआ जो लेंस रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, वह क्या रहती है, कांच का बना होता है, जबकि मानव नेत्र में जो बना हुआ जो लेंस होती है वह मांसपेशियों का बना होता है। तो एक मांसपेशी का बना हुआ है, दूसरा क्या है, कांच का बना हुआ है। तो ये भी इसमें अंतर हो गया। और यदि इसमें हम अंतर देखना चाहें तो मानव नेत्र में जो बना हुआ जो प्रतिबिंब होती वह अस्थायी होती है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम आंख में देख रहे हैं तो वह कुछ समय के लिए रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1 मिनट से कम समय के लिए रहेगा। लेकिन यदि हम कैमरे में किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करें तो वह प्रतिबिंब कैसे होगी, स्थायी होगी, अधिक देर तक के लिए बना रहेगा। समझ में आ गया? तो ये मुख्य अंतर ये, इसमें अस्थायी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसमें क्या होती है, स्थायी प्रतिबिंब प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों में क्या कर सकते हैं, असमानता भी प्रकट कर सकते हैं। नेत्र में जो बनने वाले जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, रेटिना पर्दे का काम करता है, जहां पर वस्तु का उल्टी प्रतिबिंब प्राप्त होती है और वह क्या होती है, वास्तविक होती है। उसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो जो तंत्रिका नाड़ियां होती है उस तंत्रिका नाड़ी के माध्यम से, जिसको हम ऑप्टिक नाड़ी भी कह सकते हैं, उस ऑप्टिक नाड़ी के माध्यम से संदेश जाता है मस्तिष्क को और वह मस्तिष्क फिर उस वस्तु का क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर कैमरे में क्या रहती है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो निगेटिव होती है उस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है, पॉजिटिव में उसको बदला जाता है, मतलब उसमें एक रासायनिक घोल होती है, उस रासायनिक घोल में उस निगेटिव को डुबाएंगे, फिर उसका एक कागज होती है जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक कागज, उस कागज में चित्र जो है प्राप्त होती है या किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम मानव नेत्र और कैमरा दोनों में असमानता को भी दर्शा सकते हैं, ठीक। तो ये था मानव नेत्र और कैमरा, एक प्राकृतिक रूप से प्रकाशिक यंत्र है और दूसरी क्या है, कृत्रिम रूप से प्रकाशिक यंत्र है। दोनों में समानता और असमानता और दोनों की संरचना और उसकी क्रियाविधि यहाँ पर बताई गई। आगे हम देखें इसमें कि जो लेंस जो पढ़ रहे हैं उस लेंस की क्या क्षमता होती है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मतलब उस लेंस का कितना पावर है, कितनी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बना सकता है, इसको हम कहते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता मापना है तो इसको हम P से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात P बराबर होती है 1/F, जहां पर F क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी होती है। तो ये सूत्र है, यदि किसी भी लेंस की क्षमता मापना है तो P बराबर 1/F करेंगे तो उस लेंस की क्षमता निकल जाएगी। और इसकी जो मात्रक होती है वह होती है डायोप्टर, डायोप्टर होती है। डायोप्टर में हम लेंस की क्षमता को मापेंगे। जैसे चश्मा में जो लेंस लगा रहता है उसकी यदि हम मात्रक जानना चाहें तो क्या होगी, डायोप्टर होगी। और उसकी क्षमता का मतलब क्या है कि कितने पॉइंट, कितने फोकस पॉइंट का वहां पर, कितने फोकस दूरी का क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। जैसे किसी की आंख की नंबर होती है 0.5 ऐसा बोलते हैं, या 2.5 निगेटिव या पॉजिटिव ऐसा बोला जाता है, निगेटिव या 2.5 पॉजिटिव ऐसा नंबर बोला जाता है चश्मे की नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो लेंस लगा हुआ उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, -2.5 या +2.5 या 0.5, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या है, ये डायोप्टर है, डायोप्टर होती है। तो लेंस की क्षमता किसे मापेंगे, डायोप्टर में। अब जैसे मान लिया जाए, इसमें हम एक गणित हल करके देखें कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है
लेंस की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है? एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो इस 20 सेंटीमीटर की क्षमता कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेंटीमीटर में दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। यहाँ पर 1 अपान ए फोकस दूरी जो रखा हुआ है वो किस में है, इसकी इकाई किस में है, मीटर, जिसको हम कहते हैं मात्रक। तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर है उसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। जब इसको मीटर में बदला जाएगा तो इसका मान हो जाएगा एफ बराबर 20 बटे 100, अब यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर। जब इसको हम क्या करेंगे, 100 से 20 को भाग देंगे तो जो एफ का मान आएगा वो होगा एफ बराबर 0.2 मीटर प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसको यदि हम यहाँ पर रखें तो ये क्षमता P बराबर 1/f में क्या हो जाएगी, 0.2। तो P बराबर 1/0.2 जो निकल रही है यही क्या है, 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता यहाँ पर प्राप्त हो जाती है 1/0.2 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम गणितीय प्रक्रिया को भी देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। ठीक, यदि इसको हम सरल करना चाहें 1/0.2 को तो कितना आएगा, 5 डायोप्टर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। इसमें एक और सूत्र पढ़ रहे थे हम लेंस में, लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए, लेंस की फोकस दूरी के लिए, तो लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र निकला हुआ था 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। इस सूत्र के माध्यम से हम दिए गए लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं, जहां पर v प्रतिबिंब की स्थिति है और u क्या चीज है, वस्तु की स्थिति है। अब यहाँ पर एक सवाल यदि हम हल करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में दे रहे हैं u बराबर 15 सेंटीमीटर, वस्तु की स्थिति है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बनाता है, 4 गुना ज्यादा और बड़ा, तो 4 गुना ज्यादा और बड़ा बना रहा है मतलब उस लेंस की क्या हो गई, क्षमता हो गई। तो क्षमता का मतलब क्या हुआ, एम, जिसको हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। तो एम का मान कितना है, 4, एम का मान कितना है, 4। ठीक है, तो यहां पर 15 सेंटीमीटर क्या रहेगी, वस्तु की स्थिति है और वस्तु की स्थिति उत्तल लेंस के लिए क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। तो यदि u बराबर ऋण 15 सेंटीमीटर और उस लेंस की जो आवर्धन क्षमता है जो 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रही है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब प्रतिबिंब की स्थिति निकल जाएगी तो क्या निकाल सकते हैं, हम उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम फार्मूला जानते हैं या सूत्र जानते हैं, चूंकि आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होती है, v अपान u होती है और ये क्या रहता है, ऋणात्मक रहती है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम m का मान रखें कितना, 4 बराबर v का मान निकालना, तो ये हो जाएगी v और यहां पर माइनस u है, माइनस u का मान कितना है, 15 है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 15 और माइनस चिन्ह और लगा हुआ है तो ये लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगी, या लिख सकते हैं इसको v बराबर 15 में यहाँ 4 का गुना करें और ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगी, धन हो जाएगी, तो 15 चौक कितना होता है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकल गई, प्रतिबिंब की स्थिति, क्लियर हो गया। तो यदि हम उत्तल लेंस के सम्मुख 15 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो वह उसका 4 गुना दूरी पर, कितने दूरी पर, 15 चौक 60, 4 गुना दूरी पर क्या बढ़ रही है, प्रतिबिंब बढ़ रही है, वह कैसी है, बड़ी है। तो यहां पर यदि हम इसकी फोकस दूरी निकालना चाहें तो इस सूत्र में रखेंगे 1/f बराबर 1/v का मान निकला हुआ है 60 माइनस 1/u का मान निकला हुआ है कितना, 15, तो ये क्या हो जाएगी,
15 वन अपान एफ बराबर 60 और 15 को यदि हम सरल करें, 1/60 ऋण 1/15, तो यहां पर किस प्रकार की गणित आ रही है, ये परिमेय व्यंजक है। क्या है ये? परिमेय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहां पर परिमेय गणित है, तो इस प्रकार के गणित को हल करने के लिए जो हर दिया गया उसका हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो 60 और ऋण 15 का यदि हम लघुत्तम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहां पर 60 हो जाएगी, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 60 में हम 60 का भाग देंगे, कितना बचेगा, 1। 1 को कहां गुना करेंगे, अंश में गुना करेंगे। उसी तरीका से ऋण 15 में यदि हम 60 का भाग करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो वह 4 कहां पे जाएगा, अंश में गुना होगा। तो इस तरीका से 1/f बराबर कितना निकल गया, लघुत्तम कितना आया है, 60, और ये 1 और 1 का गुना करें 1, 4 में 1 का गुना करें तो कितना आ गया, 4। ये माइनस और माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई, ठीक है। तो 1/f बराबर कितना आ रहा है यहां पर, 5/60, और 5/60 का मतलब क्या हुआ, 5 एकम 5 और ये 12, ठीक है। तो 1/1 बराबर कितना आ रहा है, 1/1 बराबर 1/12 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का मान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये था किसी भी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग करके उसकी फोकस दूरी निकालना और उसकी क्षमता निकालना, ठीक है। तो आज का जो हमारा अध्ययन का जो मुख्य बिंदु था, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरा, मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा में संबंध, तो इस तरीके से प्रकाश की जो अपवर्तन की जो घटनाएं घटित होती है उनको समझाई गई, ठीक है। थैंक यू। दूरदर्शी में हम देख रहे थे कि दूर स्थित वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। तो दूरदर्शी में हम दो प्रकार के लेंस उपयोग कर रहे थे, एक होता है अभिदृश्यक लेंस और दूसरी होती है नेत्रिका लेंस। तो यहां पर अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस, इसकी जो फोकस दूरी होती है, अभिदृश्यक लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है उसमें ये बताया गया था कि 5 से 10 सेंटीमीटर, ऐसा उसमें हम लिखे थे। तो ये हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, यहां पर हो जाती है 50 से 100 सेंटीमीटर हो जाती है, और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो हो जाती है 2 से 5 सेंटीमीटर, ये प्राप्त होता है। तो मैं यहां पर त्रुटि किया था, इसको मैं लिख दिया था 5 से 10, इसमें सुधार करके क्या लिखना है, 2 से 5 सेंटीमीटर के मध्य होती है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ये यहां पर सुधार करेंगे। इसी में यहां पर हम चूंकि देख रहे हैं कि अभिदृश्यक जो लेंस होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और नेत्रिका लेंस क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें जो प्रतिबिंब जो बन रहा था जिसको हम कहते हैं किरण आरेख, इसमें अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस दोनों को बराबर बना दिया गया था, उसमें क्या करना है, अभिदृश्यक लेंस को बड़ा करना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे किरण आरेख देख लेते हैं। ये हो गया, इसको हम कहेंगे एल ओ, ये हो जाएगा ओ, ये प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, ये कोण अल्फा बनेगा, यहां पर भी कोण अल्फा बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे प्राप्त होती है, इसको हम कहेंगे P डेस और ये Q डेस, इससे छोटी प्राप्त होती है यहाँ पे, और जो लेंस लगा रहता है वो इससे छोटी होती है, तो इसको हम छोटा बनाएंगे। ये प्रकाश केंद्र O है, इसको हम O डेस से प्रदर्शित करेंगे, और ये हो जाएगा LE, जिसको हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस के लिए P डेस, Q डेस
क्या करती है, वस्तु का काम करती है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाएगी और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात इसके फोकस से होते हुए आगे निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण केंद्र से होते हुए निकलेगी, ये दोनों जो किरणें हैं उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, डॉटेड लाइन में ऐसा ले लीजिए उसको, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पी डेस क्यू डेस का जो प्रतिबिंब है वो यहां पर प्राप्त हो रही है, इसको हम कहेंगे पी डबल डेस और ये हो जाएगा क्यू डबल डेस। तो पी डेस क्यू डेस का प्रतिबिंब है यहां पर पी डबल डेस क्यू डबल डेस पर प्राप्त हो रही है। तो मैं ये दोनों लेंस को बराबर बना दिया गया था, इसमें सुधार करके इस लेंस को क्या करना है, बड़ा करना है, इसको कहते हैं हम अभिदृश्यक लेंस। थैंक यू।